हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं तहरी का अचार मिर्ची के साथ, जिसके इंग्रेडिएंट्स है ये कच्ची तहरी है, और ये सीजन की कच्ची तहरी है, पाव किलो था। तो इसको मैंने इस तरह से काट के कल से काटी हूँ, इसको थोड़ा सुखाई हूँ। अब इसमें हल्दी और नमक है इसके हिसाब से, मतलब अब इसमें ऐड करने के लिए देखिए इधर हींग है, हींग भी थोड़ा ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, अचार ख़राब नहीं होगा। और इधर देखिए थोड़ा सा मैं सौंफ ली हूँ, इसको भूज लेना है तवे में। और इधर देखिए 10-12 ये सूखी मिर्ची है, इसको भी भूज लेना है। और इसमें थोड़ा मतलब धनिया है, 100 ग्राम के अंदर धनिया है, उसको भी भूज लेना अच्छे से। और राई है, राई को हल्का गर्म करना, ज़्यादा नहीं भूनना है। और जीरा भी है इसमें, 50 ग्राम जीरा है, उसको भी मैंने भूनी हूँ। और ये मिर्ची देखिए 1/4 किलो से ज़्यादा मिर्ची था, तो इस तरह से मिर्ची काट लेना है। और ये अचार ज़्यादा दिन नहीं रखना है घर में, मतलब बना करके खा पी करके ख़त्म करना है। और इधर देखिए ये राई का तेल है, तो इसमें हम अपने हिसाब से मतलब बनाते समय ऐड करेंगे। और अब हम अचार बनाने की तैयारी करेंगे। ये जो मसाला है इसको देखिए हम सबसे पहले दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। सौंफ भी इसमें ऐड कर देंगे, देखिए मसाला पीस के हो गया, ऐसा दरदरा पीस लेना है। और इसमें अजवाइन नहीं डालना है, ये मिर्ची थोड़ी सी ऐसी है तो ये भी ऐड कर सकते हैं, उसमें खाने में टेस्टी लगेगा। इधर देखिए इसमें मैं एक रेसिपी बनाई थी, कढ़ाई गर्म हो गया है तो इतना ये भी तेल है, मीठा तेल है ये, मतलब इसमें हम थोड़ा हिसाब से तेल ऐड कर देंगे। और अचार में तो तेल ज़्यादा ही लगता है, थोड़ा खर्चा होता है। तो इतना अचार है तो कम से कम टोटल मिला के 1/4 किलो तेल लेना है, चूल्हा खास रखना है यहाँ पर। तेल अच्छा गरम करना है यहाँ पर, यहाँ पर हम थोड़ा सा जीरा का फोरन ऐड कर देंगे और इसके आगे कुछ नहीं जाएगा। ये मिर्ची हैवी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा और भुन जाएगा तेल में, अच्छा लगेगा खाने में अचार। और आज की रेसिपी है कच्ची कैरी से मतलब मिर्ची ऐड करके चटपटा अचार। अब यहाँ पर मिर्ची ऐड कर देंगे, मिर्ची को अच्छे से भून लेना है। अचार आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, अपने फैमिली के हिसाब से बना लीजिएगा। थोड़ा भी आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा बनाने का। और ये देखिए इसमें इसके कैरी के हिसाब से मैंने नमक ऐड किया, थोड़ा ज़्यादा ही नमक है इसमें, तो हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, काला नमक लेंगे, थोड़ा सा वाइट भी लेंगे और काला भी लेंगे। देखिए इसमें हिसाब से नमक ऐड करना है, काला नमक से खाना ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो थोड़ा हम काला नमक भी ले लेंगे। मिर्ची को मिलाते रहना इस तरह से पकने के लिए। इसको कम से कम 1 मिनट हम अच्छे से पकाएंगे। अब ये देखिए मिर्ची फ्राई अच्छे से हो गया, इस तरह से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर जो कैरी है मेरे पास, तो कैरी को हम मिर्ची से ऐड करके यहाँ पर थोड़ा इसको भी भून लेंगे, क्योंकि अभी ये कच्चा कैरी है, इसको भूनना ज़रूरी है, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। थोड़ा 1 मिनट इसको भी भूनेंगे अच्छे से, यहाँ पर चूल्हा फांस ही रखना है। अब ये देखिए कैरी भी भून के हो गया, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, इसको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे थोड़ा। यहाँ पर देखिए जो दरदरा पीसा हुआ मसाला है, मसाला ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें। माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी आ रही है मसाले की।
इधर देखिए मेरे पास हींग है थोड़ा सा, हींग से क्या होगा अचार ख़राब नहीं होगा, इसके लिए इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आधी मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। ये देखिए इसमें जो स्पाइसेस यूज़ है उसका बस कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, उससे इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे और ये अचार को सबसे पहले अच्छी तरह ठंडा कर लेना है और कांच के बर्तन में रखना है क्योंकि प्लास्टिक में ये पानी छोड़ देगा। ये देखिए इस तरह के बर्तन में हम अचार को ऐसे खाली कर लेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा होने ही देना है। उसके बाद आप इसको आपके किसी भी मील के साथ, दोपहर के खाने के साथ खा सकते हैं। ये मिर्ची और कैरी का इंस्टेंट अचार बनके तैयार हो गया है। अगर से आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।